आप देख रहे हैं न्यूज 24, मैं हूं शीतल राजपूत। आज हम बात करेंगे उस नेता की जिसके खिलाफ हरियाणा के तमाम दिग्गज पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 3 रोज से मोर्चा खोले हुए हैं। ये नेता भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। महिला पहलवानों ने इन पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। धरना प्रदर्शन कर रहे पहलवान इनके इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देने पर डटे हैं। आप समझ ही चुके होंगे कि हम बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ा ये कोई पहला विवाद नहीं है। ब्रजभूषण और विवादों का मानो चोली दामन का साथ है। अयोध्या बाबरी विवाद से लेकर जानलेवा हमला और सरकारी अधिकारियों के बंधक बनाने के मामले तक इन पर दर्ज हैं। देखिए ब्रजभूषण पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आपराधिक इतिहास, हत्या के प्रयास का आरोप, डकैती के आरोप, दंगा भड़काने के आरोप, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप, सरकारी अधिकारी को बंधक बनाने का आरोप, बाबरी केस में नाम, दाऊद गैंग से कनेक्शन, मंच पर पहलवान को थप्पड़ मारना, और अब आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में, उनके साथ में जो जो हुआ है, हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। मैं बड़े शर्म के साथ मैं बोलना चाहूंगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। मैं ये एक विश्वास के साथ कल को बोल पाऊंगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। वो प्रूफ है हमारे पास, वो लड़कियां आज हमें प्रूफ दे रही हैं फोन करके। इन बयानों से कुश्ती की दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। दिग्गज पहलवानों की फौज रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यही बैठे रहेगा जब तक हमारा न्याय नहीं हो जाता। यौन शोषण जैसे संगीन इल्जाम से सियासत की दुनिया में WFI के अध्यक्ष के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। ये बेहद ही गंभीर आरोप उस शख्स पर लगे हैं जो खुद को सियासत का बाहुबली मानता है। कुश्ती हॉल में जिसके एंटर करते ही पूरा हॉल नेताजी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठता है। नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह, पद यूपी की कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद। इनका एक और पद है, वो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, और यही पद अब उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है। एक के बाद एक उन पर आरोपों की झड़ी लग रही है। हरियाणा के दिग्गज महिला पहलवानों के साथ ही कई ओलंपिक पदक विजेता पुरुष रेसलर्स ने भी ब्रजभूषण शरण सिंह के विरोध में आवाज बुलंद कर दी। रेसलिंग फेडरेशन को पूरा लेटर लिखा है, बहुत बार उन्होंने कॉपियां भेजी हैं कि सर इस पे कार्रवाई की जाए, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली हैरास हो रहे हैं, फिजिकली असोल्ट हो रहे हैं हम, लेकिन रेसलिंग फेडरेशन से कभी जवाब भी नहीं आया है। और वो बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं बोलूंगी तो शायद अध्यक्ष जी भी समझ जाएंगे और शायद उस चीज को दबाने की कोशिश करेंगे। तो मतलब अगर वो कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? विनेश अध्यक्ष जी पे होगा, अध्यक्ष जी तो बोल रहे थे ना किसी ने कभी शिकायत नहीं है, हमारे साथ कुछ हुआ है, वो शिकायत हुई है, वो प्रूफ है हमारे पास, वो लड़कियां आज हमें प्रूफ दे रही हैं फोन करके। मैं किसी स्टेट का नाम नहीं ले सकती क्योंकि लड़कियों की लाइफ डेंजर में है और वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वो जिस स्टेट से मैं हूँ डेफिनेटली वो उस स्टेट की नहीं है, वो उस स्टेट से आती है जहाँ पे रेसलिंग बिलोंग ही बहुत कम करती है। उनका ऑफिस यहाँ से 500 मीटर दूर है, वो यहाँ से गोंडा क्यों भागे फिर यही क्यों घूमते हैं? इन खिलाड़ियों के बयान और मोर्चाबंदी से इतना तो साफ हो गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक प्रभावी व्यक्ति है। आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है? आखिर वो इतने ताकतवर कैसे बन गए कि आज उनके खिलाफ दिग्गज पहलवानों की फौज खड़ी हो गई है? आपको ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ी एक एक कहानी से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले जरा उनसे जुड़ा ताजा विवाद समझ लीजिए। महिला पहलवान और विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया है।
विनेश का आरोप है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और नेशनल कैंप के कुछ कोच कुश्ती कैंपों में महिलाओं और लड़कियों का यौन शोषण करते थे। इसके अलावा उन पर स्पॉन्सरशिप हजम करने का भी आरोप लगाया गया। आरोप कई हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ना आप नेशनल लड़ोगे, ना आप ओपन नेशनल लड़ोगे, ना आप ट्रायल दोगे। ट्रायल भी आप चाहते हैं कि सारे खिलाड़ियों का ट्रायल हो जाए, फिर जो खिलाड़ी उसमें जीतता हो उससे आपका अकेले ट्रायल हो जाए। और अगर इतनी दिक्कत थी फेडरेशन से तो 10 साल से ये दिक्कत क्यों नहीं हुई? दिक्कत तब होती है जब फेडरेशन एक नियम बनाती है। मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। अब बात ब्रजभूषण शरण सिंह के उन मामलों की जो उनकी शख्सियत को बाहुबली बनाते हैं, महंगी गाड़ियों से लेकर हेलीकॉप्टर तक, घोड़े की सवारी से लेकर हाथी तक। ब्रजभूषण शरण सिंह हर उस चीज का शौकीन है जो उनके तेवर को राजशाही लुक देता है, लेकिन इसी तेवर की वजह से वो शुरू से ही विवादों में रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को सिर्फ राजनीति का ही नहीं बल्कि कुश्ती का भी माहिर खिलाड़ी माना जाता है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के बिष्णुहर गांव के रहने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह ने बचपन और युवावस्था दोनों में ही कुश्ती में जमकर दांव आजमाए। 1980 के दशक में वो छात्र राजनीति में आए। 1988 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ तो उनकी उग्र हिंदुत्ववादी छवि ने उन्हें पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय बना दिया। अपनी इसी लोकप्रियता के दम पर साल 1991 में पहली बार गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और इस सीट पर बीजेपी का खाता खोला। आरोप है कि दाऊद इब्राहिम के बहनों ने इब्राहिम कास्कर की हत्या करने वाले अरुण गवली गैंग के शूटर शैलेश हल्दनकर और वेपन के जिन शूटरों ने हत्या की थी उनको ब्रजभूषण शरण सिंह ने ही शरण दिया था। बताया जा रहा है कि 1993 में फरवरी से लेकर जून के बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने दाऊद इब्राहिम के 4 सहयोगियों को अपने आधिकारिक आवास पर शरण दिया था। इस मामले में ब्रजभूषण सिंह को टाडा के तहत गिरफ्तार किया गया था। 1996 का वक्त था जब वो गोंडा की जेल में बंद थे और उसी दौरान उन्होंने बीजेपी के टिकट पर अपनी पत्नी केतकी सिंह को लोकसभा का चुनाव लड़वाया। यहां तक कि उनके रसूख का नतीजा ही था कि केतकी सिंह को जीत हासिल हुई। हालांकि बाद में CBI ने अब उन्हें क्लीन चिट दे दी और उसके बाद कोर्ट से भी उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया था। इसके बाद 1999 में वो दूसरी बार गोंडा से बीजेपी के टिकट पर सांसद बने। 2004 में वो अपनी सीट बदलकर बलरामपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और तीसरी बार सांसद बने। इसी दौरान ब्रजभूषण पर US न्यूक्लियर डील को लेकर 2008 में UPA के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी के स्टैंड से इतर जाकर कांग्रेस के समर्थन का आरोप लगा था। उस समय मुलायम सिंह यादव कांग्रेस के खेवनहार बने थे। इसके बाद ब्रजभूषण पर बीजेपी ने कार्रवाई की तो वो समाजवादी पार्टी में चले गए। 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही गोंडा से चौथी बार सांसद बने। हालांकि अगले चुनाव यानी 2014 में वो वापस बीजेपी में आ गए और पांचवी बार सांसद बने। इसके बाद 2019 में छठी बार जीत कर अपने नाम एक रिकॉर्ड कायम किया। इस दौरान राम मंदिर का मुद्दा भी पूरी तरह हावी रहा। ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम भी राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा था। यही वजह थी कि बाबरी विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह समेत जिन 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम भी शामिल था। ब्रजभूषण शरण सिंह को बाबरी विध्वंस मामले में आरोपी बनाया गया था। हालांकि साल 2020 में CBI की स्पेशल कोर्ट ने इन सभी को बरी कर दिया। आपराधिक इतिहास की बात करें तो ब्रजभूषण शरण सिंह खुद पर 4 मामले बताते हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में दिए हलफनामे के मुताबिक पहला मामला अयोध्या में बाबरी विध्वंस का था जिसमें CBI की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया। दूसरा मामला गोंडा के नवाबगंज कोतवाली में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह पर जानलेवा हमले का था। हालांकि 1993 में इस मामले में भी
कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। तब कहा गया कि इस केस में मुख्य गवाह पंडित सिंह की कभी गवाही देने नहीं गए और ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसे राजनीतिक साजिश बताया था। तीसरा मामला राम जन्मभूमि अयोध्या कोतवाली में सरकारी आदेश की अवहेलना का दर्ज कराया था, जिसे हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने रद्द कर दिया। चौथा मामला सरकारी अधिकारी को बंधक बनाने का है, जो अभी लंबित है। साल 2019 में अपने हलफनामे में ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिस तीसरे मामले का जिक्र किया था, उसे दरअसल साल 2014 में अयोध्या की राम जन्मभूमि कोतवाली में पंजीकृत किया गया था। उस मामले की जांच के बाद पुलिस ने उसमें चार्जशीट दाखिल की थी और निचली अदालत ने उसमें नोटिस भी जारी की थी, लेकिन उसे चुनौती देते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने लखनऊ हाईकोर्ट में ये बात कही थी कि किसी भी सरकारी आदेश की अवहेलना में सीधे FIR पंजीकृत नहीं हो सकती, बल्कि कोई भी अधिकारी सीधे परिवाद दाखिल कर सकता है। मामले की सुनवाई के बाद जुलाई 2022 में लखनऊ में जस्टिस DK सिंह की अदालत ने इस मामले को ही रद्द कर दिया। इसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह खुद एक हत्या करने के बाद भी ऑन कैमरा कबूल कर चुके हैं। 2004 में राजस्व मंत्री रहे घनश्याम शुक्ला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मामले में भी ब्रजभूषण आरोपों के घेरे में आए थे। खुद ब्रजभूषण ने भी कई इंटरव्यू में इस वाक्य का जिक्र करते हुए कह चुके हैं कि पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी तक ने उनसे कहा कि तुमने ब्राह्मण की हत्या करवा दी। निजी हेलीकॉप्टर और गाड़ियों के लंबे काफिलों के साथ चलने के शौकीन ब्रजभूषण की बयानबाजी उनके अपने दल पर भी बहुत भारी पड़ती है। हालांकि गोंडा और आसपास के इलाकों में उनका रसूख इतना है कि वो खुद सांसद और उनके बेटे प्रतीक भूषण सिंह विधायक हैं। अकूत संपत्ति के मालिक भी बताए जा रहे हैं। इलाके में कई स्कूल और कॉलेज भी चलाते हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और BJP के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिनती गोंडा के थनाड लोगों में होती है। शिक्षा के क्षेत्र में ब्रजभूषण सिंह का एक बहुत बड़ा कारोबार है और आपको जानकर के हैरत होगी, सिर्फ गोंडा जनपद में ही उनके 55 से ज़्यादा महाविद्यालय, इसके अलावा कई सारे उनके इंस्टीट्यूशन भी चलते हैं। इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं ये नंदिनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर नर्सिंग का अलग इंस्टीट्यूट है, मैनेजमेंट के अलग इंस्टीट्यूट है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर उनका बहुत बड़ा काम है और हज़ारों की संख्या में छात्र इनके महाविद्यालयों में पढ़ते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक वो गोंडा और बहराइच में सक्रिय रहे हैं, लिहाजा इनकी यहाँ पर ज़बरदस्त उनके समर्थक, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है। उत्तर भारतीयों को लेकर के ख़ास तौर पर वो आक्रामक रहते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा जनपद में और आसपास के जनपदों से आने वाले पहलवानों को प्रोत्साहित करते रहे हैं और बताया जाता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की जो सबसे बड़ी ताकत है वो यही है कि उनके समर्थक यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जो हर बार उनको बाहुबली इमेज होने के बाद भी उनको हर बार चुनाव जिता करके लोकसभा में भेज देते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह अपने अखड़ अंदाज और अपने बेबाक बयानबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने एक रैली में मायावती को उत्तर प्रदेश की गुंडी तक कहा था। इसके अलावा पिछले साल ही मई 2022 में उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा का खुलकर विरोध किया था। इसके बाद UP में आए बाढ़ के दौरान अपनी सरकार पर भी जमकर आरोप लगा चुके हैं। कुश्ती की महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण के आरोपों से घिर करके विवादों में आए ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी उनसे विवादों का उनसे गहरा नाता रहा है। एक दबंग, एक बाहुबली, एक बागी नेता के तौर पर उनकी छवि गोंडा और उसके आसपास के जिलों में हमेशा से बनी रही है। 6 बार के सांसद और करीब 11 साल से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह एक ज़माने में छात्र नेता के तौर पर उभर कर सामने आए थे। हालांकि उनके जीवन के तमाम ऐसे पहलू हैं, एक बार वो आतंक निरोधी कानून यानी टाडा के मामले में भी जेल जा चुके हैं। उन पर दाऊद इब्राहिम के गुर्गों को पनाह देने का आरोप लगा था, हालांकि इस मामले में वो बरी हो गए, लेकिन उस वक्त भी बेहद विवाद उठा था ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के और उन पर कई तरीके के आरोप लगे थे। एक कबूलनामे में उन्होंने खुद स्वीकारा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो पूर्व मंत्री थे विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह, उनके भाई को किसी ने गोली मार दी थी जब वो साथ में खड़े थे। तब उन्होंने ये कहा था कि जिसने गोली मारी थी उस शख्स को उन्होंने पीठ पर गोली मार दी थी, जिससे उसके बाद में उसकी मौत हो गई थी। ये कबूलनामा भी काफ़ी सुर्खियों में रहा और आज वो सोशल मीडिया पर वो बयान बेहद ट्रेंड भी कर रहा है। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ एक फिर से नया विवाद जुड़ गया है
और ये विवाद कहां जाकर के थमेगा ये अभी कोई नहीं कह सकता। रुतबा ऐसा कि 2011 से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हुए हैं। बताया जाता है कि बृजभूषण ने शख्सियत ऐसी बना रखी है कि जब वो कुश्ती हॉल में प्रवेश करते थे तो हर किसी का ध्यान उन्हीं की ओर जाता था। वो एसयूवी कार के काफिले में आते थे और हर वक्त उनके साथ 20 से 25 समर्थक मौजूद होते थे। कुश्ती हॉल में आते ही अधिकारी उन्हें नमन करते हैं और पैर तक छूते। इसके साथ पूरा हॉल नेताजी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठता। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर एक और बात कही जाती है कि वो पहलवानों पर कुश्ती हॉल में ही चिल्ला देते हैं और उनके परिजनों को हॉल से बाहर निकालने की धमकी तक दे देते हैं। यही नहीं, जनवरी 2021 में नोएडा में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा था और आरोप है कि उस दौरान उन्होंने एक रेलवे कोच को बेवजह निलंबित कर दिया था। वहीं उन्होंने दिसंबर 2021 में रांची में एक एथलीट को स्टेज पर ही सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मार दिया था। कैमरे में कैद होने के बावजूद बृजभूषण ने माफी तक नहीं मांगी, उल्टे ये कहा कि उसे जोर से नहीं मारा, अगर मैंने ऐसा किया होता तो वो बहुत दूर जा चुका होता। बहरहाल अब वही बृजभूषण सिंह गंभीर आरोपों से घिर चुके हैं। खिलाड़ियों ने उन पर मुखर होते हुए मानसिक प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न और कुश्ती संघ में राजनीति करने के गंभीर आरोप लगाए। दिख रहा होगा कि अब तक हर संगीन आरोप से भरी होने वाले बृजभूषण शरण सिंह पहलवानों के यौन शोषण के आरोप से कैसे बरी हो पाते हैं। गोंडा से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। जाओ, रेडी? पेश है टीवीएस जुपिटर 125। सॉरी सर, नया टीवीएस जुपिटर 125। सर, बड़ी सीट ताकि आप आराम से। सबसे बड़ी सर, ज्यादा स्टाइल, ज्यादा सेफ्टी और ज्यादा स्पेस। टीवीएस जुपिटर 125, ज्यादा से भी ज्यादा। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद। देश का दिल